हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, सितंबर का मिडिल अब आने वाला है और अब जाड़ा शुरू हो जाएगा, तो हम लोगों को जाड़ों के लिए अपने पौधों को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन में ये रोज़ के जो प्लांट्स लगे हुए थे, इन पे मैंने आपको देखिए मेरे चैनल पे इसमें वीडियो भी दो तीन अपलोड होंगे, वो आप जा कर के उनको वॉच कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, जाड़ों के लिए रोज़ को तैयार करने के लिए मैंने ये पुराने गमले हैं, ये इनमें से जो है इन रोज़ेस को सबको जो है ये निकाल दिया है। और निकालने के बाद मैंने ये जो इसकी जो मिट्टी है, इसके नीचे से जो बड़ी बड़ी जड़ें थी, उन्हें ये इस तरीके की जड़ें जो बड़ी बड़ी पुरानी थी, उन्हें सबको हटा करके और ये नीचे से इसकी इसको जो है रोज़ेस को उसमें जड़ों को मिट्टी को कम कर दिया है। अब मैं इस मिट्टी में, ये जो मिट्टी है इसमें पुरानी खाद तो पड़ी ही है, पर इसको और अधिक चार्ज करने के लिए और अधिक जो है वो अच्छी सॉइल बनाने के लिए, देखिए सॉइल जो है ना वो पौधों की फ्रेंड्स जान होती है, अगर सॉइल हमारी अच्छी नहीं है तो पौधा कभी भी नहीं पनपेगा। तो इसके लिए मैंने ये वर्मी कंपोस्ट की खाद, क्योंकि इसमें और खाद है, रोज मील वगैरह सब पड़ा हुआ है, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट की खाद मैं अभी मिलाऊंगी और ये और अधिक चार्ज कर लूंगी। और फिर देखिए, ये मैंने तीन गमले परचेज किए हैं फ्रेंड्स, इनमें मैं इन पौधों को लगा दूंगी। तो चलिए, बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक और देखिए कि मैं किस प्रकार से इन रोज़ के प्लांट्स की नए तरीके से पॉटिंग करती हूँ। ये फ्रेंड्स, नए गमलों के नीचे जो है ये मैंने ठीकरी लगा दी है, देखिए, ताकि जो है इसमें पानी निकलता भी रहे और इसमें वाटर जो है वो जमे भी नहीं, पानी के ठीकरी लगा दिए। और अब इस मिट्टी में ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट की खाद, ये केचुए वाली खाद होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है ना ये न्यूट्रिशियस होती है पौधों के लिए, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, मैंने सारी सॉइल में मिलवाई है ये खाद, ये देखिए, और इसको मैं मिक्स करके इसको और उपजाऊ बना लूँगी मिट्टी को, और उसके बाद मैं इसे नए गमलों में इन पौधों को फिर से जो है वो इसकी रिपोर्टिंग फिर से कर दूँगी, तो जाड़ों में ये बढ़ करके और इसमें फ्लावर्स जो हैं और बेटर आ जाएंगे, अच्छे और बड़े फूल आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे जो है ये इसमें मिट्टी डाल के और ये इसको जड़ के समेत मैंने इस प्लांट को रख दिया है। अब मैं इसको फिर से ऊपर से भी मिट्टी से फिल कर दूंगी, तो ये पौधा मेरे नए गमले में फिर से लग जाएगा, पौधे में जान आ जाएगी और ये जाड़ों में बहुत अच्छा गुलाब देगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने तीनों गमलों में जो है ये वर्मी कंपोस्ट मिला के और इनकी फिर से रिपोर्टिंग कर दी है, देखिए तीनों गमलों में। और अब जो है इसमें मैं ये पानी दे दूंगी सब गमलों में, क्योंकि जब भी हम जैसे रिपोर्टिंग करें, इसमें हम कोई खाद डाल रहे हैं या कुछ है, तो खाद देने के बाद जो है वो तुरंत आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी पौधा है उसमें पानी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खाद से जो है फिर अगर जो है उसको सूखा रखा जाएगा तो वो जलने का भी डर रहता है। तो इसलिए ये देखिए, मैंने सभी गमलों में पानी डाल दिया है। और अब लेकिन इसमें केवल वर्मी कंपोस्ट से फ्रेंड्स काम नहीं चलेगा, अभी अक्टूबर नवंबर में जब ठंड और बढ़ेगी तो हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें हमें रोज़ मील डालना होगा, बोन मील डालना होगा, इसके साथ ही घर में जो चाय आपकी खौल जाती है उसकी पत्ती को उसमें से दूध निकाल के धो लीजिए, उसको धो के सुखा के चाय की पत्ती डालने से फ्रेंड्स गुलाब के फूलों का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है, फूल भी बड़ा हो जाता है और ज़्यादा कलियाँ आती हैं। चाय की पत्ती बहुत ही इसके लिए अच्छी है, चाय की पत्ती डालिए, रोज़ मील की खाद डालिए इसमें, और इसके साथ ही थोड़ी सी आप नीम खली ज़रूर डालिए, वो कीड़ों से इसको बचा के रखती है। तो अब इसकी पॉटिंग के बाद देखिए, जाड़ों की तैयारी चल रही है, तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने बोगनवेलिया के गमलों को भी आज मैं पलट करके और उनकी भी जो बड़ी जड़ें हैं उन्हें मैं काट के हटा दूंगी और उनमें भी नई मिट्टी डाल के और खाद डाल के उनको भी आज जो है वो नए गमलों में लगाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखिए कि बोगनवेलिया की पॉटिंग किस प्रकार से करते हैं।
बेलिया के सारे जो हैं ये मैंने प्लांट्स जो हैं ये निकाल लिए थे, लेकिन फ्रेंड्स बारिश यहाँ पर तेज़ होने लगी तो ऐसे छोड़ के अंदर चले गए थे। अब जो है फ्रेंड्स ये मिट्टी को जो है इनकी जड़ों को देखिए ये कट करवा दिया है, ये देखिए पुरानी जड़ों को बोगनवेलिया की, और इसमें ये मिट्टी, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, बोन मील मिली है और आपका नीम की खली मिली है और इस जान। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बोगनवेलिया के गमले भी मैंने इसमें नई मिट्टी खाद के साथ भरवा के इसकी भी रिपोर्टिंग करवा दी है ताकि इससे पौधों में जान आ जाती है। फ्रेंड्स अगर आपके भी इसी प्रकार से पुराने पौधे लगे हुए हों तो उनको, उनके गमले भी बदल दीजिए, उसकी मिट्टी में खाद मिला के इसको लगाइए। जाड़े गर्मी सब में बोगनवेलिया बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस तरीके से मेरे ऊपर गुलाब के और नीचे मैंने बोगनवेलिया के गमले खाद के साथ फिर से रिपोर्टिंग करा दी है। ये कराना पौधों के साथ, हम जितनी ही मेहनत करेंगे हमको फूल उतने ही ज़्यादा और उतने ही अच्छे अपने बगीचे में देखने को मिलेंगे। एक गमला ये मेरा, ये देखिए इसमें भी खाद डलवा के इसको भी लगवा दिया है। तो फ्रेंड्स पौधे जो हैं वो केयर चाहते हैं और हम जितनी ज़्यादा अपने पौधों की केयर करेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।